के बाद निकाल रही है, तो हम भी जान बूझ के बाद निकालते। इस झूले के बारे में बताने से पहले मैं एक काम करूंगा, वो पता क्या काम है। ये सामने आप देख सकते हैं पाकिस्तान का फ्लैग है, तो ये झूल का बनता है। वो ना झूला लेके जान बूझ के बाद निकाल रही है, तो हम भी जान बूझ के बाद निकालते। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका भाई महमूद मुखर। तो आज हम निकले थे, हमने जाना था केशव, और कहते हैं ना कि नसीब अपना अपना, कुछ तकदीर की बात होती है, कुछ किस्मत की बात होती है, जैसे दाने दाने पे लिखा होता है ना खाने वाले का नाम, इसी तरह ना जाने वाले के भी नसीब में लिखा होता है कि उसने कहाँ पर जाना है और कहाँ तक जाना है। जैसे उधर रहते हैं, ऐसे मोड़ कस कर रहे हैं। एक दफ़ा यार बंदे के माइंड में आ जाए यार बंदा, आज मैं क्यों ना झील चला जाए। तो अब हम जाते हैं, टिकट्स लेते हैं। आपने यहीं से खड़े होकर ना दिखाना है, बस टिकट्स ले रहा हूँ। आगे गए ना फौजियों ने पकड़ के मारना है। हाँ फाइनली जी टिकट्स हमने हैं ले ली, अब हम अंदर दफा होते हैं, क्योंकि आए हैं तो फिर हमें जाना भी पड़ेगा। खुद की बेइज्जती बंदा खुद कर देना वो ज़्यादा बेटर होता है, कोई और करे तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो चले हम अंदर करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं हम झील में आ चुके हैं। इंटर ऐसे न मुझे तुम देखो, मुझे शम्मो आती है। ये ना ये जो आप ये सामने दिखा सकते हैं, एलसीडी चली हुई है ना, यहाँ पहले मेरे ऐड चल रहे थे, तो आज मैं खुद आ गया हूँ, तो उन्हें तो ऐड चलाने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्हें पता बंदा खुद आ गया, जिसने इसका उछाला देखना होगा वैसे ही देख लेंगे। पहले तो मैं नहीं होता था, इसलिए उनकी मजबूरी बनी हुई थी। यहाँ पे ऐड मुझे अंदर चले इस लड़की ने ना बड़ी सिफारिशें की है कि यार आप ना एक दिन के लिए आप खुद ही आ जाएं, चलो एक दिन के लिए मेरी यार चल जाए। तो मैंने भी, मैं आपको पता है रहम दिल बनते हैं, इंसान इंसानों पे रहम करते हैं, कोई गधों पे तो करते नहीं है, इसलिए मैंने रहम कर दिया। चलें जी आप अंदर चलते हैं, जो बाकी व्यूज़ हैं वो हम आपको दिखाते हैं। अच्छा तो गाइड हम आज आपको बताते हैं कि यहाँ इसको झील को झील क्यों कहते हैं। एक होती है ना झील मछलियों वाली, ये जो झील है ना वो सिर्फ कश्तियों वाली है। यहाँ ना इन्होंने सिर्फ पैसे कमाने के लिए कश्तियाँ तो अंदर रखी हुई हैं, मछलियाँ आपको नहीं मिलेंगी, ये मैं आपको क्लियर बात बता दूँ। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा झील झील का माहौल बना रहे हुए हैं इन्होंने, इसे झील भी कहते हैं। और चमन अस्करिया, आगे क्या है चमन झील कहते हैं, चमन अस्करिया हजार पत्नी आगे कोई है सी, पहले मुझे पढ़ लेना चाहिए। इसलिए कहते हैं ना कि नकल के लिए भी अक्ल की ज़रूरत होती है, बंदा पढ़ गया था तो कुछ ना कुछ पता होता। बाकी यहाँ पे बंदा है ना और बंदे को ये आ जाए, इंसान है आ सकता है क्यों नहीं आ सकता, हर हाल में आ सकता है। तो बजाय इसके इधर उधर मुंह मारने के, इधर उधर मुंह उठा के जाने से, आप इधर हैं ये सामने देख रहे हैं, यहाँ पे टोटल मैप दिया हुआ है, ये मस्जिद के आगे बाथरूम, यहाँ पे आपने जाना हो आप वहाँ पर जा सकते, ये आप दिखा दें थोड़ा, ताकि जो हमारी देखने वाली ऑडियंस है ना उन्हें पता चले। हमें तो पता है ना सारी इन्फो का, इसलिए हम तो आपको पता है। ये तो एक होता है ना मैसेज देना किसी को, मैसेज कन्वे करना, ये भी एक सवाब का काम है। तो हम तो ये ऐसे सवाब कमाते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए आगे चलते हैं, वो हम आपको दिखाते हैं। आपको एक और मज़े की बात बताऊँ, आपको पता है मॉडर्न ज़माना मॉडर्न टाइम आ गया है, बच्चे भी आज कल के मॉडर्न हो गए हैं। तो वो तो कहते हैं जी हमें गाड़ी हो, गाड़ी भी कौन सी हो, ऑडी हो पराडो हो। तो घर में साइकिलें हैं ना, उसकी कोई इज्जत ही नहीं होती, कोई पूछता ही नहीं है, कोई चलाना तो फिर दूर की बात। मगर जो यहाँ भी आते हैं ना झील में, उस दर्श पैसे दे कि ये साइकिल चलाते हैं, ठीक है। तो ये साइकिल बड़ी स्पेशल है हमारे लिए, देख रहे हो। हाँ ये जो चाइना के सदर है ना, जब बाहर जाते हैं अक्सर आप देखते हैं कि चाइना का जो सदर है ना वो अभी भी साइकिल पे सफ़र करता है, तो वो ये वाली साइकिल यूज़ करता रह गया। इसलिए ना हमने चाइना से इंपोर्ट करके इसे झील में रखा होगा, इसलिए यहाँ पे जो लोग आते हैं इसे बड़े शौक से चलाते हैं, क्योंकि चाइना का सदर पहले चलाता रह गया, अब यहाँ के लोग चलाते हैं। बाकी अभी और भी आगे हम और भी आपको चीज़ें दिखाते हैं।
जब बंदा ऐसी जगह पे आता है, जब घूमता है फिरता है, तो बंदे को ना तलब होती है कि यार बंदा कुछ खा भी ले, सूस भी ले, क्योंकि एनर्जी बंदे की हो जाती है डाउन, तो वो पता है कहाँ पे आते हैं, ये सामने फूड पॉइंट है जहाँ पे पानी भी नहीं होता, पानी का तो हर चीज़ पैसों की मिलती है, हाथ भी धोने हैं ना, उसके लिए पहले आपको बोतल लेनी पड़ती है पानी की, फिर बाद में बनना पड़ता है। वो वैसे धूप थी, मैं इसलिए इस साइड पे आगे खड़ा हो गया हूँ, बाकी आप जाएँ थोड़ा ना, ये सारा फूड का जितना एरिया वो दिखा दे बाकी हमारे पास, ये सारा जो फूड वो आप उसी के पास ले जाएँ, क्लोज हो जाए कोई बात नहीं, बस यार यहाँ पे ना तीन किस्म के लोग आते हैं, एक वो आते हैं जो खाने पीने की चीज़ हो या झूले वगैरह हो वो देख के खाते भी नहीं, खाते भी हैं, एक होते हमारे टाइप के बंदे ना ऐसे देख के ना आगे से गुजर जाते हैं, और तीसरे बंदे होते हैं ऐसे जो अपने दोस्तों को कहते हैं यार ये झूला तो हमें खिला, ये हमने झूला लेना है, उसकी टिकट हमें दिला दो, या ये चीज़ हमने खानी है, हमें ये चीज़ खिला दो, तो हमारे साथ भी एक ऐसा बंदा आया हुआ है भाई मैंने कुछ नहीं खाना, आगे कहेगा यार झूला खाना यार ये टिकट तो दिला, मैंने कुछ नहीं खाना चलिए आगे चलते हैं। अच्छा लास्ट टाइम जब मैं आया था मैंने आपको दिखाया था कि जब बंदा आता है यहाँ पे तो मोशन राइड लेता है, जिसके बाद बंदे को लग जाते हैं मोशन, जब मोशन लगते हैं वो अपने मोशन कंट्रोल करने के लिए अपने बच्चों को ना यहाँ ये जो प्ले एरिया ये बच्चों का यहाँ पे ले आता है, यहाँ पे थोड़ा इंटरटेनमेंट बच्चों की हो जाती है और बड़ों की होती है उधर मोशन राइड में, वो भी दिखा दें ये भी दिखा दें फिर आगे जाते हैं। यहाँ पर तो ये लिखा हुआ कि हाल में खाना पीना होना है, आपने हमें भी दिखाना है, सिर्फ एक ही दिन दिखानी है, क्यों तो पे जा रहे हैं, चले आगे जाते हैं। मजे की चीज़ दिखाऊं, पता है वो क्या, आप ऐसे फहद मुस्तफ़ा को देखते रहते हैं ARY पे भी, जीतो पाकिस्तान जीतो पाकिस्तान, जहाँ झील में भी है वो वाला जीतो पाकिस्तान, वो अबीरो वाला जीतो पाकिस्तान है, ये गरीबों वाला जीतो पाकिस्तान है, अब हम आपको जीतो इनामत हासिल करें, सब इनामत आपके लिए आप आए। इनामत हासिल करें, अगर वो भी रिंग जाती है तो ऐसे नहीं, यहाँ टिकट नहीं लगती, कूपन नहीं लगते, यहाँ पे रिंग लगती है तो फिर मिलती है कोई चीज़, ये भी आपको पता होना चाहिए, बाकी हम आगे जाते हैं ना आपको वो भी दिखाते हैं वगैरह ना, हम ट्राई करें हमारे पास क्या क्या आता है यार, ये कितने के हैं रिंग, छः रिंग लेते हैं, आपने ये कंटिन्यू रखनी है, ये वीडियो बंद नहीं करनी है, हम भी तो देखें हम यहाँ से क्या क्या जीत जाते हैं, पता चले सारे ही आया हूँ, चलो लेते हैं 6 रिंग्स आ जाए, ये आपने सही से दिखाना है, या आप ना यूँ करें आप इसी साइड से दिखा दें, मैं उस साइड पे आ जाता हूँ, इधर से आ जाए चलो ये क्लोज हो जाएगा, दे सर ये तो पाकिस्तान से इनामत ही इनामत, मगर किस सूरत में, अगर ये रिंग ये सामने पड़ी चीज़ों पे जाता है आपको, अब ट्राई करते हैं कि हम क्या क्या जीतते हैं क्या क्या नहीं, टीम मैंने बैंक में और टीम इसमें हो चुकी है, तो देखिए अब किस पे कौन कामयाब होता है, कौन ज़्यादा जीत के जाता है, हम होंगे कामयाब, होंगे कामयाब, एक
दिन एक लेस भी लग गई होगी, दूसरा भी इनामत इनामत दे सकते हैं 60 रुपए की सूरत में, 60 रुपए दे और घर दफो आगे जाते हैं आपके ना आगे के जितने आप ये देख सकते हैं। अब हम आ गए हैं राइड वाली जगह पे ना, जहाँ पे सारी राइड मिलती है, यहाँ पे आए और जहाँ पे जाना है चमन निगार मुल्तान के फूलों के टिकट के रेट दिखा दे सबसे पहले, दिखा दिए हाँ दिखा दिए। अब ये आप जब कोई आके देखिएगा ना तो वो अपनी जेब देख के उसे पता चल जाएगा कि मैं कौन सा झूला ले सकता हूँ और कौन सा नहीं। कोई होते सब झूले देख देख के ऐसे फील कर रहे होते हैं जैसे वो झूला ले रहे हो और कोई होते हैं जो चलो झूला ले भी लेते हैं। या ये सारा दिखा दें, हम कोशिश करेंगे ये ड्रैगन जो है ना इस पर बैठेंगे, बाकी हमने किसी में बैठना नहीं है क्योंकि हम ख़तरनाक काम करते हैं आपको पता है। तो इसमें अगर कुछ पब्लिक बनता सीन वो हम लेंगे, बाकी बस हम आपने ऐसे दिखा दिए सारे झूले, फिर इतना लंबा यार क्या करना है, लोग बोर हो जाते हैं हमारे के लोग देख देख के क्या कहीं बोलने नहीं आता तो हम क्या करें। चले फिर हम एंड करेंगे, हम यही कुछ कर सकते हैं बात में इधर आ जाए बंद नहीं करना, ये सामने झूला चल रहा है और आवाज़ें आप चेक कर सकते हैं, ये जो सामने झूला चल रहा है ना ये जान बूझ के जो लड़के होते हैं ना उन्हें डर नहीं लगता, जान बूझ के ऐसे अपनी एफिशिएंसी मारने के लिए ना ऐसे आवाज़ें निकालती हैं। अपनी टिकटॉक बनाओ जितनी मजे में ये टिकटॉक नहीं है बिल्कुल अंकल ऐसे अंकल हमें पहले बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल देते हुए मैंने कहते आप आ जाए, कहते नहीं आप अपनी टिकटॉक बनाएं दूसरों को आपने ऐड नहीं करना, मुझे आपने अपनी डॉग में लेके नहीं आना। अंकल जी गुस्से हो गए, हम भी बैठ जाते हैं हम थोड़े थके हुए हैं। तो वैसे मैं ये बताना चाह रहा था कि जैसे पीछे फूल स्ट्रीट है ना, तो जब बंदा यहाँ पर आता है तो यहाँ पर भी इस साइड पर है, ये आप सब दिखा दें यहाँ पूरा बैठते हैं फिर निकलते हैं। यहाँ पे बैठते हैं जिसे कहते हैं ना जैसे बाइक की टैंकी हाफ हो जाती है या ख़त्म हो जाती है, तो हमारी इस टैंक थोड़ा ना वो एक टैंकी ऊपर नीचे ऊपर ही है, हम थोड़ा पानी पीते हैं पानी बुलाते हैं पानी पी के रेडी करते हैं सर पानी। थोड़ी सी सेल के साथ पानी पी पानी पी पानी पी अंकल हो गए तो गुस्से, तो हमने कहा अभी बनाते तो अभी पानी पीते हैं फिर निकलते हैं आगे, ज़्यादा नहीं पीना उसी को आ जाता है याद बैठे याद बैठे। इस झूले के बारे में बताने से पहले मैं एक काम करूँगा, वो पता क्या काम है, ये सामने आप देख सकते हैं पाकिस्तान का फ्लैग है, तो ये क्यों तो बनता है
पाक फौज इस्लाम पाकिस्तान जिंदाबाद। अब हम आए आपके साथ के झूले के बारे में बता। सबसे पहले ना आप ये चीज दिखाएं बनाई खाल भी और जितना भी है यहाँ पे सारा लिखो हम सारा आप दिखाएं। और आई थिंक तो ये साइन बना हुआ है ना इस झूले पे, एक तो हमारे पाकिस्तानी फ्लैग का बना हुआ है और जो दूसरा बना हुआ है ना वो एयर फोर्स का बना हुआ है। तो मेरी तरफ से ना पाक फौज और एयर फोर्स के जितने भी नौजवान हैं उनको ये मेरी तरफ से सलूट है। बाकी ये झूला देख के ना मैं आपको एक बात बताऊँ कि जो दिल से फीलिंग आती है ना पाकिस्तानी होने की, जब बंदा ये फ्लैग देखता है ना बंदा सच्चे पाकिस्तानी अलहमदिल्ला तो दिल कहता है बंदा सलूट मारे। और सलूट मारे भी क्यों ना यार, ये पाक फौज ही तो है जिनकी वजह से हम सेव हैं, एयरफोर्स ही तो है जिसकी वजह से हम सेव हैं। तो ये फीलिंग तो आनी ही थी ना। तो अब हम उस साइड पे जाएंगे, एक लास्ट राइड है, हम आपको वो दिखाएंगे और उसके बाद हम करेंगे बाय बाय। ठीक है वहाँ जाएंगे वहीं पर हमने करना है बाय बाय वाला दिन। अभी यहाँ पे ये चीज़ आपने दिखा दी है, अब हम उस साइड पे जाएंगे तो वहाँ पे हमने करना है एंड अपने लोगों का। तो अभी के लिए इतना ही। अच्छा गाइस, हमने ना आपको सारी जो झील थी ना उसकी जितनी भी लोकेशन थी वो आपको दिखा दी, एक लास्ट राइड रह गई है वो हम आपको दिखाते हैं और वहाँ पे अपने लोगों का करते हैं। लास्ट राइड है और ये तो मगर जो राइड है वो लास्ट ही है। ये इससे सबसे पहले दोबारा आज फिर मैं दोबारा बताता था, पहले ही बताया था कि 5 फुट से कम कद वाले ना इस राइड पर बैठ नहीं सकते, तो राइड पर बैठने वाले शख्स का सीट पर फिट होना जरूरी है। ये कुछ हिदायत है उसके बाद ही इस पर बिठाने देते हैं क्योंकि ये बड़ा ख़तरनाक झूला है ना। तो बाकी हमारी आज की वीडियो यहाँ पर होती है एंड मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी हमारी हर वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। बाय बाय, टेक।